अस्सलाम वालेकुम। या मैं एक रेसिपीज़ मैं आज बनाने जा रही हूँ। मैं एक अरेबियन डिप बाबा गनोश, पहले मैंने जो बनाई थी वो आप लोगों ने बहुत पसंद की थी, ये वाली तो उससे भी अच्छी है, ज़रूर देखिएगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 अदद मीडियम साइज़ के बैंगन, और इसको जब आप ख़रीदेंगे तो एक तो ये वज़न में हल्का होना चाहिए, और ये इस तरीके से आप पीछे से जब देखेंगे तो ये गोल होना चाहिए। इस तरह लंबी स्लिट वाला भी एक मिलता है, वो हमें नहीं चाहिए क्योंकि उसके अंदर बहुत बीज होते हैं। ठीक है, तो ये एक बाइंग पॉइंट है, तो जब आप बैंगन ख़रीदेंगे तो ज़रूर इस बात का ख्याल रखेंगे। 2 जवे लहसुन के चाहिए और थोड़ा सा पार्सली चाहिए फ्रेश, और लेमन जूस भी डालना है, तो इसको इस तरीके से जब रोल करके डालेंगे तो अच्छा सा जूस निकलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा रोल कर लिया एंड दैट्स इट। उसके अलावा एक सॉस तैयार करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ मैंने ली है 3 टेबल स्पून तहीनी पेस्ट, उसके अंदर मैंने डाला है 3 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल का, और 3 ही टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ इसके अंदर लेमन जूस का। बाद में इसकी सीजनिंग को हम ओके कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल ना हो तो फिर आप इस डिप को नहीं बनाएंगे, क्योंकि किसी भी और तेल से अगर आप बनाने जाएंगे तो इसका टेस्ट जो है वो बर्बाद हो जाएगा। अब जो बैंगन है उसको हमें सेकना है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे इसको कांटे से पहले प्रिक कर लिया है ताकि ये अच्छे तरीके से अंदर तक पक जाए और ये ब्लास्ट भी ना हो। इस तरीके से मैंने पूरे बैंगन में कर लिया सुराख, और अब यहाँ पे मैं कोई सा भी तेल लगा दूँगी थोड़ा सा, ताकि अगर आप इसको चूल्हे पे करें या तवे पे करें या फिर अवन में करें तो ये चिपके नहीं। इसी तरीके से दूसरे बैंगन को भी तैयार कर लिया। यहाँ पे मैं तवे पे कर रही हूँ, और इसको मैंने बहुत हाई हीट दे के, तवा मतलब अच्छा तेज़ गरम है, और उसके बाद मैंने बैंगन रख दिए। अब इसको एक तरफ से 5 मिनट जब हो जाएंगे तो फिर पलट दूंगी, और इसी तरीके से पलट पलट कर चारों तरफ 5-5 मिनट पकाएंगे तो ये 20 मिनट में तैयार हो जाएगा। और अगर आपको मेरी तरह जल्दी है तो इस तरह ढककर भी बना सकते हैं और ये तैयार हो जाएगा। अब 10 मिनट हो चुके हैं, जब 5 मिनट हो गए थे तो मैंने इसको पलट दिया था, और अब दोबारा से 5 मिनट हो गए हैं। अब ये तीसरी साइड हो रही है, और इसी तरीके से 5 मिनट के बाद दोबारा एक और दफ़ा पलट लेंगे, और 20 मिनट में ये कम्प्लीटली रोस्ट हो जाएगा। जब तक वो होता है तब तक हम बाकी चीज़ों की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने गार्लिक चॉप कर लिया और पार्सली भी, और जब ये चारों तरफ से सिक गया था तो मैंने इसको ठंडे पानी के नीचे से गुजार लिया था, जिससे ये होगा कि बड़े आराम से इसका छिलका अलग-अलग हो जाएगा। या फिर आप इसको ढक कर कम्प्लीटली ठंडा होने के लिए रख दें तो भी छिलका आराम से उतर जाएगा। एक फूड प्रोसेसर की ज़रूरत पड़ेगी आपको, और उसके अंदर मैंने जो बैंगन का छिलका उतार के रखा था वो डाल दिया, उसके जो जूसेस थे वो भी साथ ही डालेंगे। ठीक है, उसके बाद जो पार्सली और लहसुन था उसको भी डाल दिया, और जो सॉस हमने तैयार की थी वो भी साथ ही डाल देंगे। जो लहसुन है उसको पहले से चॉप करके फिर डालें तो वो बेहतर है, और थोड़ा सा नमक डालेंगे। मैं यहाँ पे हिमालयन सॉल्ट इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं और आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जिस चीज़ में आपको पकाना ना हो वहाँ पर ये वाला नमक बहुत ही अच्छा रहता है। थोड़ा सा मैंने पेपरिका पाउडर भी डाला, और अब मैं यहाँ डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून दही। ओरिजिनल रेसिपी में दही नहीं होता है, लेकिन अगर आप दही के साथ बनाते हैं तो बहुत ही क्रीमी बनता है, बाकी आपकी मर्जी है। और अब इसको इतना घुमाएंगे कि ये सब अच्छे से यकजान हो जाए, मगर बहुत ज़्यादा पेस्ट फॉर्म में इसको नहीं लेके आना है। अब यहाँ पे इसकी सीजनिंग को चेक कर लेते हैं, और मेरे हिसाब से इसके अंदर थोड़ा सा लेमन जूस कम है तो मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून के करीब और डाल दिया है। ठीक है, और बस इसको फाइनल डिश आउट करेंगे, और जो मेन है इसकी प्रेजेंटेशन वो ज़रूर देखनी है। इस तरीके से एक चम्मच की मदद से मैंने इम्प्रेशन बनाया और इसके अंदर ऑलिव ऑयल से फिल कर दिया है, और उसके बाद ऊपर से फ्रेश पार्सली डालेंगे और पेपरिका पाउडर से इसको गार्निश कर लेंगे। इसको पीटा ब्रेड के साथ खाया जाता है, साथ ही कोई कबाब बना ले और बहुत ही अच्छा खाना आपका तैयार हो जाएगा। एज अ साइड डिश इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उम्मीद है रेसिपी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।